नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं करण सिंह। आप देख रहे हैं कृषि जागरण चैनल। आज मैं ऐसे खेत में आया हुआ हूं जहां पर जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए चारा उगाया गया है। बरसात में आपने देखा होगा कि एनिमल्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको लोग जो कुछ घरों में अपने पालन पोषण करते हैं, दूध के लिए उनको असली दूध मिलना चाहिए, जिसके लिए आपने देखा होगा कि शहर में भी जानवरों को पालते हैं, गाय भैंसों को पालते हैं, जिससे कि उनको उनके घर का दूध मिल सके। लेकिन बरसात में सबसे बड़ी समस्या उनके सामने होती है कि उनको क्या खिलाया जाए, क्योंकि निखर सूखे भूसे पे या तुड़ी पे उनको जिंदा नहीं रखा जा सकता। इसलिए समय समय पर दूध देने वाले जानवरों के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि उनको हरा चारा मिलना चाहिए। इसी के लिए अगर आप चारे का खेती करते हैं, किसान भाइयों, अगर आप जो चारे हैं, जो हरी घास है, उसकी अगर आप खेती करते हैं जानवर के लिए, तो उसके लिए भी आप मार्केट में बेचकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि फसल से कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज्यादा मुनाफा देने वाला ये नकदी फसल के रूप में जो पैने पर जो घास होती है, और अलग अलग प्रकार की, जैसे सीजनल में सर्दियों में आपने देखा होगा कि बरसीन होती है, और भी कई ऐसी घास होती है जिनको लोग जानवरों को खिलाने के लिए अपने खेतों में बोते हैं। लेकिन बरसात में आपने देखा होगा, मेरे पीछे करीब चरी है, ये चरी के पेड़ है, और इसको जानवरों को काट खिलाने के लिए ये बोया गया है, चारा बोया गया है। तो इस प्रकार से चारे की फसल कर बोकर आप खेत में और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये नकदी के रूप में कहा जा सकता है फसल है। और इसमें कौन कौन से चारा बो सकते हैं जो कि बरसात के समय में निकल कर जल्दी आए, जल्दी उगें, और उसको आप जल्दी मार्केट में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर आप चारे का बिजनेस करते हैं तो वो आपके लिए कितना लाभकारी साबित हो सकता है, ये सभी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार, एक बार फिर से सभी का स्वागत है कृषि जागरण चैनल में। हम बात कर रहे हैं पशुओं के लिए चारा उगाने की, खासतौर से दुधारू पशु, जो दूध देने वाले पशु होते हैं घर में, उनके लिए चारा बरसात के समय में मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसे में किसान भाई चारे का आप बिजनेस करते हैं, चारे की खेती करते हैं, तो फिर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। उसमें कुछ चारे के नाम हैं जिनको आप मार्केट में अच्छे से आप बेच सकते हैं। उसमें ज्वार, मक्का, स्टाइलो, बाजरा, हाथी घास, घिनी घास, पैरा घास और चरी भी इसमें शामिल है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जबकि ये चरी है, और चरी के साथ साथ इसको देख रहे हैं आप कितना बड़ा ऊपर निकल कर ये आ गई है, बड़ी भी है और बाली भी इसमें लग चुकी हैं। तो इस प्रकार की घास को आप उगाकर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें आप इनको उगा सकते हैं। सूडन घास, ज्वार, अंजन, ब्लू पैनिक उगाना उत्तम रहता है। हरे चारे के हेतु इस प्रकार की फसलें आप उगा सकते हैं। अब बात करते हैं दुधारू जानवरों के लिए कौन कौन सी घास उपयोगी होती है, वो भी आपको बता देते हैं। दुधारू गायों की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो इस समय में बरसात के समय में पशु पालना काफ़ी मुश्किल का काम हो जाता है। वहीं अगर आप दुधारू जानवरों के लिए घास की बात करते हैं, तो इनमें आपके लिए सबसे अच्छी घास बरसीन घास है, जिरका घास है और नेपियर घास को शामिल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो जो ज्वार है, उत्तर भारत में इसकी खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। वहीं ग्वार की फली प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर से युक्त होती है, जो पशुओं के लिए काफ़ी बेहतरीन चारा साबित होता है। वहीं लोबिया, इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। वहीं मक्का को भी आप जानवरों को खिला सकते हैं, पशुओं को खिला सकते हैं, क्योंकि ये खाने में काफ़ी मुलायम होता है और पशु बड़े स्वाद के साथ इसको खाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से आप चारे की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा बरसात के मौसम में नगदी के रूप में आप किसान भाइयों प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चारे की खेती करके जरूर करें और इसका आप फायदा जरूर उठाएं।